हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 to 12। ओके, प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 8 to 12 भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक बिल्कुल केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा और अपने आंसर शीट पर या फेयर नोटबुक पर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 8। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ द गिवन कंडीशन। ओके, आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5-digit एंड स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बनाने हैं, आपको डिफरेंट डिजिट यूज करना है, वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग। यानी अगर कंडीशन में कोई डिजिट कह दिया तो उसको छोड़ के दूसरे डिफरेंट डिजिट लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला कंडीशन आपको दे रहा है 3 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। और हम जानते हैं कि अगर हम 5-digit का ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर 5-digit का, तो आप जानते हो कि हम अगर हम नंबर लेते हैं 9, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर लेना, 8, 7, 6 यही नंबर लेंगे। और इसमें देखिए, एक आपको 3 दिया, इसलिए आप 3 को यहाँ पे रोकेंगे। ठीक है ना, तो अब अगर हम इसे कह रहा वंस प्लेस पे रखिए 3 को, तो 3 हमेशा ऑलवेज वन प्लेस पे रहेगा। अब इससे ग्रेटेस्ट नंबर आप बनाना है, तो आप 9, 8, 7, 6। अब ये देखिए 5-digit का बिल्कुल ग्रेटेस्ट नंबर है, वो भी 3 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। इज दैट क्लियर? अगर स्मॉलेस्ट हमें बनाना है तो स्मॉलेस्ट में वंस पे हमारा 3 ही रहेगा, याद रखिएगा। और स्मॉलेस्ट नंबर आप इससे नहीं लेंगे, ये ग्रेटेस्ट में आते हैं। स्मॉलेस्ट में हमारा आता है 0, 1, 2। अब 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 कंडीशन में है, 4। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, 1, 0 पहले नहीं रखते हैं, ये पता है ना। अगर 0 रखते हैं तो 4-digit का हो जाएगा, 0, 1, 0, फिर 2, 4। ये देखिए आपका बन गया। ओके, आप इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो भी आपका हो जाएगा, लेकिन पहले आप यहाँ स्क्रीन पर समझ लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेकर आऊँगा। ओके, बीप में देखिएगा, 4 इज ऑलवेज एट टेंथ प्लेस। अब यहाँ देखिए, 4 इज ऑलवेज एट टेंथ प्लेस, तो पहले अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर आप बनाते हो तो ग्रेटेस्ट में कौन कौन सा नंबर लोगे, जबकि आपको 4 आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, 4 आपका टेंथ पे रहेगा ही, तो आपको लेना है 9, 8, 7, 6। अब यहाँ पे देखिए, 4 इज टेंथ प्लेस, तो अगर हम ग्रेटेस्ट बनाते हैं तो 9 पहले आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7, लेकिन टेंथ के जगह पे 4 आएगा, फिर 6 आएगा। ओके, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, स्मॉलेस्ट में हम क्या क्या ले सकते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ देखिए, 4 आपका क्या है, टेंथ पे है, तो 4 टेंथ पे ही होगा, फिर 1, 0, 2, 4, 3, ये आपका बनेगा। ओके, ऐसा आपका सी हो जाएगा। 0 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस, 100 प्लेस पे आप 0 रखेंगे। ओके, फिर उसके बाद डी, 7 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस, 7 जो है 1000 प्लेस पे होगा। ऐसे आपका ई, 5 इज ऑलवेज एट 10,000 प्लेस पे हो जाएगा। और एफ, 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस पे होगा। ठीक है ना, अब अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इसके सॉल्यूशन पे आइए, देखिए या आपकी स्क्रीन पर इस समय इसका सॉल्यूशन है, देख रहे हैं ना। 8 का ए एंड बी, ए बी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए हम ए बी पे नहीं आते, सीधे सी पे आते हैं। 0 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। देखिए, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हमने बनाया, ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर, ओके, एंड स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, तो यहाँ पे 9, 8, फिर 0 इज ऑलवेज 100 प्लेस पे 0, फिर 7, 6 हो गया। स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर 1, 2, 1, 2 से शुरू होगा, 0, 100 पे चला गया, 3, 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, ऐसे डी में देखिए, 7 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस, 7000 प्लेस पे पुट करना है, 1000 प्लेस पे 7, 7 हो गया, देख रहे हैं ना। फिर बचेगा 9, 8, 6, 5 हो गया, यहाँ पे 1। अब उसके बाद आप देखिए, स्मॉलेस्ट 5-digit, 7 हमारा जो है कहाँ पे आया है, 1000 प्लेस पे, तो 1, फिर 1000 प्लेस पे 7, फिर 0, 2, 3। ओके, चल अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। राइट ऑल पॉसिबल 3-digit नंबर यूजिंग 6, 4, 8 ओनली वंस एंड देन अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको यहाँ पे देखिए, 6, 4, 8 नंबर को यूज करना है और जितने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं उसको आपको बनाना है। ठीक है, 1-digit को केवल 1 टाइम्स, 6, 4, 8 से। चलिए देखते हैं, पहले हम स्क्रीन पे देखते हैं।
देखिए अगर हम फोर पहले रखें, 4 6 8 एक नंबर ये बन गया, फिर हम नंबर बना सकते हैं 4 8 6 ओके, फिर बना सकते हैं 6 4 8 अगेन, 6 8 4 अगेन, अब की बार 8 आगे ले लीजिए, 8 4 6 8 6 4 ये 6 नंबर आपके मिलेंगे ओके। ये 6 नंबर्स जो हैं हम 3 डिजिट से बना सकते हैं। अब इसे कह रहा है किस ऑर्डर में अरेंज करिए आप, डिसेंडिंग में, और डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं पहले कौन आएगा, 864 नंबर 2 पे ये आएगा, ये नंबर 3 पे आएगा, ये नंबर 4 नंबर 5 एंड नंबर 6 पे आएगा ओके। चलिए इसका भी सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, ये आप स्क्रीन पर इसका भी आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन पेज आप देखिएगा। ये ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स 4 6 8 4 8 6 ये देख रहे हैं ना, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए आप। ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना, देख रहे हैं अभी मैंने वहाँ पे समझाया था, वैसे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए 3 डिजिट आपको देगा 607 और उससे ऑल पॉसिबल नंबर बनाना, सेम आपका यही है ठीक है ना, ऑल पॉसिबल 3 डिजिट लेकिन 0 है इसलिए इसमें 4 नंबर बनेगा, क्योंकि जब अगर हम 0 आगे रखते हैं तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाता है, 1 607 670 706 760 और इसको कंटिन्यू हम करते क्या हैं, किसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं ठीक है ना, 607 फिर 670 काउंट असेंडिंग ऑर्डर आप प्रीवियस क्लासेस में, अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आया था, वहाँ भी मैंने समझाया था असेंडिंग डिसेंडिंग, वैसे आप बना लेंगे ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप बहुत केयरफुली सुनिएगा क्योंकि वो जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 3 डिजिट, 3 डिजिट आपको यूज करके 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाने हैं ठीक है। तो 3 डिजिट हम कौन सा यूज करेंगे, 0 1 2, तो आपको बनाना क्या है स्मॉलेस्ट, तो पहले कौन आएगा, 0 तो नहीं आएगा ठीक है, याद रखिए अगर 0 अगर हम करते हैं तो वो हमारा 4 डिजिट का कभी नहीं बनाएगा ठीक है ना, तो हम पहले 1 रखते हैं फिर 0 रखते हैं और 2। अब हम जानते हैं कि 3 ही डिजिट है लेकिन यूज कितने करने हैं, 4 डिजिट नंबर आपको बनाने 3 डिजिट, तो इसी में 0 एक बार और लगा दीजिए। अब बताइए कितने डिजिट का हो गया, ये 4 डिजिट का हो गया ना ओके। और अब आगे क्वेश्चन बी में देखिए, डिफरेंट डिजिट, अगर डिफरेंट डिजिट लेने को कहेगा तो डिफरेंट डिजिट में आप क्या करिएगा, 0 1 2 3 ले लीजिए, अब इससे बना दीजिए स्मॉलेस्ट, तो इसमें आप पहले क्या रखोगे, 1 फिर 0 2 3, बस ये नंबर आपको प्रिपेयर हो गया ओके, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, और इस वीडियो में ये 12 लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज के लिए ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आएगा। राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग, अब यहाँ भी देखिए सेम वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट बनाना, ओनली 4 डिजिट, सिर्फ हमें 4 डिजिट यूज करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट में हम कौन कौन से यूज करेंगे, 9 8 7 6 और बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए पहले आप इससे ग्रेटेस्ट नंबर बना लीजिए, 9 8 7 6 और किसको रिपीट करिए, 9 को, देखिए बन गया ना ठीक है। अब ऐसे ही आपको डिफरेंट डिजिट में कहेगा, देखिए यहाँ पे कहा है ये डिफरेंट डिजिट, अब डिफरेंट डिजिट में अगर हमें समझाना हो बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे 5 डिजिट का, तो डिफरेंट डिजिट के लिए जो ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनेगा, हम नंबर क्या क्या यूज करेंगे वो भी आप देख लीजिए, 9 8 7 6 5, अब ग्रेटेस्ट नंबर बना लीजिए 9 8 7 6 5, क्योंकि सभी डिफरेंट ही लेना है, ये बन गया ओके। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 एक्सप्लेन कर दिया है, आप सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 टाइम्स आप सुनिएगा फिर समझिएगा फिर अपने फेयर नोटबुक पे सॉल्व करिएगा ओके। थैंक यू।